हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेवन चैप्टर जो है एडवर्ब। लेट मी क्लियर फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब से आप क्या समझते हैं, तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी अगर हम हिंदी में कहें तो क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, सिंपल। तो ऐसे ही एडवर्ब वह वर्ब होते हैं जो वर्ब को या एडजेक्टिव्स को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। तो टाइप्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी टेबल जब हम करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, द स्टूडेंट्स ग्रेटेड द टीचर चेयरफुली। तो ये आपका यहाँ पर एडवर्ब चेयरफुली होगा और काइंड कौन सा होगा, मैनर। क्लियर, यानी स्टूडेंट्स ने टीचर्स को खुशी से बधाई दी। तो कैसे ग्रीटेड किया, चेयरफुली। तो चेयरफुली इट्स योर एडवर्ब। नाउ सी द सेकंड, द मैन हैड ऑलरेडी लेफ्ट टू फाइंड हिज फादर। तो यहाँ पे ऑलरेडी इट्स योर एडवर्ब एंड टेलिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ टाइम। ओके, एंड थर्ड इज वेयर इज राधा, सो इट्स बिलोंग टू द सिंपल इंटेरोगेटिव। फोर्थ में हेयर है आपका जो प्लेस के बारे में डिफाइन कर रहा है। फिफ्थ में सिंपल वही सेम इंटेरोगेटिव से बिलोंग कर रहा है आपका व्हेन। और सिक्स में आउटसाइड प्लेस शो कर रहा है। सेवन्थ में यस्टरडे टाइम शो कर रहा है, बिलोंग्स टू द एडवर्ब। और एट्थ में टू बिलोंग्स टू द डिग्री। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए जानते हैं एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हेयर टाइम। तो टाइम क्या होता है, टेलिंग अबाउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन व्हेन। जब आपको पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन में व्हेन की बात हो रही है, व्हेन मीन्स कब, तो आपको पता चल जाएगा ये बिलोंग कर रहा है टाइम से। ओके, जैसे ही हैज ऑलरेडी ईटन, वे खा चुका है, पहले ही खा चुका है। ही हैज ऑलरेडी ईटन, तो कब खा चुका है, पहले, ऑलरेडी, ठीक है। सेकेंड इज शी स्लेप्ट साउंडली यस्टरडे, तो कब स्लेप्ट हुआ, यस्टरडे। ओके, नाउ कम टू दी एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल आपके इसमें एगो, येट, टूडे, यस्टरडे, टुमोरो, नाउ, देन, ऑलरेडी, रिसेंटली, आफ्टरवर्ड्स, सून, इवेंचुअली, वंस, टिल, नाउ अ डे, अर्ली और लेट। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि टाइम को मेंशन करते हैं। दीज एडवर्ब्स टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम द एक्शन टेक प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। तो जब आपको पता चले आपके सेंटेंस में वेयर कहाँ की बात हो रही है, हियर, देयर, Now, where, somewhere, away, everywhere, anywhere, near, far, further, in, out, under, up, down, beside, below. These some adverbs of place. Okay, these adverbs tell us where and at what place the action take place. इस तरह के जो words होते हैं ये बताते हैं कहाँ पर और कौन सी place पर जो है काम हुआ। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। आपका इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वेयर, कहाँ पर। जैसे ही एट हेयर, कहाँ पर उसने खाया, यहाँ पर, हेयर। शी कैन स्लीप एनी वेयर, तो एनी वेयर इज योर प्लेस। ओके, नाउ कम टू द मैनर। अब मैनर की बात करें तो मैनर्स में क्या आएगा आपका, मैनर इज टेलिंग अबाउट दी हाउ और इन वट मैनर द एक्शन टेक प्लेस। An adverb of manner answer the question how. Like example, they held us cheerfully. So cheerfully, bravely, quickly, happily, sadly, softly, slowly, gladly, eagerly, carefully, anxiously, well, hard, fast. जहाँ पर भी आपकी manner, मतलब कि how, कैसे define हो, वो आपका belong करेगा manner से, ठीक है। She slept soundly. He eats greedily. अभी आपने फर्स्ट में टाइम में देखा, she slept soundly yesterday. तो yesterday tell me when, answer the question of when. And greedily tell me the answer of the question how. Okay, see the difference. Now come to the next is degree of quantity. चलिए degree of quantity क्या होती है, degree of quantity आपका belongs करता है, answer the question to what extent.
Answer the question, to what extent? Or these adverbs tell us about the extent or degree to which something happens. An adverb of degree answer the question how much or to what degree. मतलब degree or quantity. Quantity means मात्रा और degree means आपको how much, कितना. मतलब कि अगर मैं कहूँ the water was extremely cold, तो जो water था कितना cold था, extremely cold. जैसे example is given here, she sleeps too much. अब वो कितना सोई, too much. तो two is here belongs to the degree or quantity. He eats rather greedily. तो rather belongs to the degree or quantity. Okay. Now come to the next is frequency is given here. Answer the question how often. How often मतलब कि कितनी बार. Like example, she really slept soundly. तो really is telling about how often. Okay. Next is he often eats greedily. यहाँ पे often is belongs to the frequency. Now come to the interrogative. तो बहुत आसान है. तो belongs करते हैं जो question, जब हम किसी से question पूछते हैं और last में question mark भी apply करते हैं. So WH family से belong करता है. How be, where is she? तो where belongs to the WH family. और इंटरोगेटिव में आपका दीज एडवर्ब आस्क क्वेश्चन अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजंस. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, लाइक एग्जांपल, हाउ इज इट मेड. तो इट्स टेलिंग अबाउट द मैनर. आपका मैनर में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, लेकिन वो बिलोंग्स करेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस से. ठीक है. Some interrogative adverbs are when, where, why, how often, how much, how many, how long, how far. Okay. Now come to the next is degree of comparison of adverbs. So degree of comparison क्या होता है? जब हम किसी को compare नहीं करते किसी के साथ, जब हम individual person की बात करते हैं तो they belongs to the positive. अगर हम compare करते हैं more than two person, अगर हम सिर्फ दो में कंपेयर करते हैं, पहले मैं कंपेरेटिव की बात करती हूँ, तो आपका कंपेरेटिव डिग्री आ जाता है. अगर मोर देन टू से करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से बिलोंग करता है. क्लियर. लाइक एग्जांपल इज गिवन, ही राइड्स स्लोली. यहाँ पे हम कोई कंपेरिजन नहीं करी, वी आर टॉकिंग हियर द इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं. ही राइड्स स्लोली, ठीक है. तो स्लोली आपका क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है और ये पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है. बट इन अ सेकेंड एग्जाम्पल, शी राइड्स स्लोअर देन हर सिस्टर. यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं उसके सिस्टर के साथ. क्लियर. तो स्लोअर आपका क्या है, कंपेरेटिव है आपका. ठीक है, बिलोंग्स टू द कंपेरेटिव डिग्री. नेक्स्ट इज अमंग ऑल द स्टूडेंट शी राइड्स द स्लोवेस्ट. आप देखें यहाँ पे हम मोर देन कंपेयर टू, टू से ज़्यादा लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, ऑल स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं शी को, तो यहाँ पे स्लोवेस्ट आएगा. एक बात और, स्लोवेस्ट ई एस टी लगाएंगे इसमें और द जरूर आपका सुपरलेटिव डिग्री में लगता है. क्लियर. तो ये कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, जैसे सून है, अगर पॉजिटिव में अगर हम उसको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सूनर आएगा और सुपरलेटिव में सूनेस्ट आएगा. हार्ड का हार्डर और हार्डेस्ट आएगा. क्लियर. ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड विद एल वाई, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसमें आपको मोर और मोस्ट लगाना है. कंपैरेटिव में मोर आ जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आ जाएगा. क्लियर. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पूरी तरह से कम्प्लीटली उसको चेंज कर देते हैं. जैसे वेल का बेटर, बेस्ट होगा, बैडली का वर्स, वर्स्ट होगा, लिटिल का लेस, लीस्ट होगा, मच का मोर, मोस्ट होगा, फार का फर्दर, फर्देस्ट, फार का फर्दर, फर्देस्ट और अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट. ठीक है. तो ये बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पूरी तरह से उसको चेंज कर देते हैं. चलिए, नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर. डिग्री ऑफ एडवर्ब गिवन, यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. कंपैरेटिव डिग्री अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, दिस डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस. सो आई स्पीक स्लोली, सो मोर फ्लुएंटली विल कम हियर बिकॉज लास्ट. सो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है दिस ईयर फ्रॉम लास्ट ईयर, तो मोर आएगा यहाँ पे. ठीक है. सेकेंड में आपका मोस्ट पोलाइटली विल कम हियर एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मोर हैप्पीली इन थर्ड विल कम द बेस्ट. ठीक है. फोर्थ में आपका और फिफ्थ में आपका आएगा मोर क्लियरली. नाउ सी द नेक्स्ट पेज ऑफ सिक्स मोस्ट स्किलफुल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, शी वर्कड फार्दर टूडे देन शी डिड यस्टरडे. क्लियर. एट में आपका द वर्स्ट आएगा बिकॉज हियर कंपेयरिंग फ्रॉम ऑल, ऑल से कंपेयर हो रहा है, तो बैड का आपको बताया था वर्स्ट होगा. ठीक है.
नाइन्थ में जेंटली जेंटली आएगा और टेंथ में आपका नियर आएगा. तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोजिशन ऑफ द एडवर्ब्स विद आंसर्स. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और फन के लिए देखिए ए टू जेड फन जोन चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.